हेलो एवरीवन। तो आज अब हम रेडी हैं इस पे नेक्स्ट स्टेप करने के लिए। फ्रंट हमारा कंप्लीट है लाइक दिस। अब हमें इस पे नैपकिन अप्लाई करना है। सो फ्लोरल जिनके पास है वो फ्लोरल वाला लगाएंगे। फ्लोरल वाले में आपको एक काम करना है कि पूरा नैपकिन एज इट इज़ नहीं लगाना है, पीसेज में कट करके, जैसे ये वाला पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सो डिफरेंट पीसेज में आपको इसको अप्लाई करना है, छोटे 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 पीसेज लेके पूरे में। और ये वाला मैं नैपकिन छोटे वाला आप लगा सकते हैं आराम से, तो मैं बड़ा वाला नैपकिन पूरा डिज़ाइन कैसे लगाना है वो वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो बैक साइड में जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ नैपकिन अप्लाई करने का तरीका वैसे। सो अब हम इसमें से पहले तो फर्स्ट लेयर जो अलग ही रहती है ऑलमोस्ट, ये हटा देते हैं इसमें से। अब ये हमारी सेकंड लेयर है, इसमें से भी एक लेयर हमें रिमूव करनी है। सो पहले हम नाप लेते हैं हमें कितना नैपकिन चाहिए इस बॉटल के लिए। अब मैं इसको नाप दूंगी नीचे की साइड से, आप लोग लेना शुरू कर देंगे एक एलिफेंट का। इस वाली बॉटल के लिए ऑलमोस्ट ये एलिफेंट पूरा फिट होता है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी है पीछे से। सो हम इसमें मेजर कर लेते हैं इतना, और जहाँ तक हमारा ये एज स्ट्रेट है पहले हम यहाँ तक ले लेंगे, उसके ऊपर का हिस्सा जो वो है हमारा हम पीसेस में लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ तक का कट करते हैं, उसके लिए मेजरमेंट में कर रही हूँ। सो ऑलमोस्ट जितना आपका ये 1/4 आ रहा है, आपके में मार्क होल्डिंग के मार्क है, ये 1/4 ये पीस आप निकाल लेंगे पहले। आप वॉटर वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेंथ है इस वाले नैपकिन में अच्छी। रैंडम निकाल रही हूँ मैं इसमें से। सो हमें अभी इतना ही नैपकिन पहले रिक्वायर्ड है। अब इसमें से जैसे वो सेकंड लेयर आपको निकालनी होती है वो मैं इसमें से पील ऑफ करूँगी। बहुत धीरे धीरे ही आपको हटाना है। ये हमारा नेक्स्ट लेयर अलग हुई। अब आपके पास ये वाला पीस है, ठीक है। अब हमें इस पर मॉड पॉज अप्लाई करना है, मॉड पॉज जो आपके पास है ट्रे में निकालेंगे। इसको मैं अप्लाई करूंगी जहां पे आप देखोगे बॉटल में थोड़ा एम्बोसिंग वाला है, यहाँ पे रिटर्न जो है इसमें आपको ऐसे टैपिंग करके मॉड पॉज को डालना है, नहीं तो वहां पर नैपकिन अच्छे से सेटल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टैपिंग करके पूरा अंदर तक आपको इसमें सारे लेटर्स में जो भी हैं, चाहे नंबर्स हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी हैं उसमें बहुत अच्छे से आपको ग्लू को अप्लाई करना है। ओवरडू होना नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट भी नहीं दिखना चाहिए, अप्लाई करना है जितना भी आपको लगे कि ये लेटर्स के बीच में जैसे ही डिपोजिशन दिखेगा तो ये भी आपको हटाना है इसमें से। बहुत ज़्यादा भी होगा तो आपका नैपकिन गलेगा। सो हम ये मैंने आप निकाला है इसमें से ऐसे पूरा अप्लाई करके एक्स्ट्रा को पूरा किनारे तक लगाना है, नीचे भी पूरा मार्जिन तक होना चाहिए आपका। आई होप जो आपने मिरर्स लगाए हैं अब तक और पीओपी अप्लाई किया है वो नीटली आपका हो गया होगा सारा।
लेटर्स में से निकाल रही हूँ मैं, जितने भी आपके ये हैं नंबर्स हैं, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पर भी डिपॉजिट हो जाता है, वो भी आपको निकालना है। ये जो ये आपका अप्लाई हो चुका है प्रॉपर अच्छे से। अब हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एकदम से नैपकिन को नहीं रखना होता है, एक साइड से कहीं से आपने इसको देखना है कि हमारा स्पेस नहीं छूटना चाहिए। एकदम मैं सीधा नैपकिन अप्लाई कर रही हूँ इसमें। और एज यूजुअल नैपकिन के एक साइड से इसको बचाते हुए पूरा हमने यहाँ पे ट्राई किया है इसको। देखोगे टेल और यहाँ से आपका इसका ट्रंक पूरा पूरा आ गया है यहाँ पर, तो पूरा फिगर हमारा इसका दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे पहले भी बताया है प्रेसिंग इज मस्ट। सॉफ्ट हैंड से प्रेस कर रही हूँ छापे मॉड पॉज के साथ, जहाँ पे हमारे लेटर्स हैं, जिससे कि ये नीचे सेटल हो जाए नैपकिन हमारा। आप देखोगे कि जब आप इसको ब्रश से इस तरह से टैपिंग करोगे तो आपके लेटर्स उभर के आपको आ जाएंगे ऊपर, जहाँ भी आपको पता रहता है कि कहाँ कहाँ हमारा राइटिंग का एम्बॉस्ड है बॉटल पे, वहाँ पे हमें इस ब्रश से मॉड पॉज के साथ प्रेसिंग करनी है। अगर आप प्रेसिंग नहीं करोगे तो जहाँ लेटर्स हैं वहाँ पे आपको सूखने के बाद एयर बबल्स दिखेंगे, एयर गैप रह जाएगा बीच में। अब मैं साइड में थोड़ा सा मॉड पॉज इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। पूरे नैपकिन पे भी हमें अप्लाई करना है, लेकिन वो सूखने के बाद थोड़ा सा नीचे वाला लेयर हमारा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम अपर लेयर पे इस पर हॉट पॉज अप्लाई करेंगे पूरे नैपकिन पे। तो इतना आपका हो चुका है ये अप्लाई, ये हम बाद में रिमूव करते हैं, वो मैंने आपको बताया है। इसको भी करके दिखाऊंगी जब ये पूरा सूख जाएगा, जब तक सूखता नहीं है तब तक हम इस पर और कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। अब ये वाले पार्ट को हमें करना है, तो इस पार्ट को हम सिर्फ मरून कलर ले लेके ये पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए अब मैं करती हूँ, छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ये वाला मरून हमारे पास काफ़ी सारा है यहाँ पर, तो यहाँ से निकालते जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा पीस। रिमूव करनी है और इसको हम जैसे भी आपको लगे कि एडजस्ट हो सकता है डिज़ाइन को थोड़ा सा मैच करते हुए, ये मैंने रखा है। अब जहाँ पे आपकी ग्लू अप्लाई नहीं हुई है वहाँ पे आपको ग्लू भी अप्लाई करना है, स्मार्ट पॉज। सेटल करते जाना है आपको इसको।
थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे। ये जैसे मैं पीसेस में लगा रही हूँ तो जो फ्लोरल वाला नैपकिन है उसको इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में लगाना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बीच में हमारा गैप नहीं आए। इनकेस गैप रह भी जाता है तो उसमें से छोटी छोटी बर्ड्स निकाल के, लीफ निकाल के उस एरिया को हम फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ये वाले एरिया को कैसे सेटल करना रहता है, क्योंकि इसमें आपके रिंकल्स आने का रिस्क रहता है। तो उसको आप कैसे अप्लाई करोगे कि रिंकल्स ना आए हमारे। मैं पहले इस पर नैपकिन रख देती हूँ यहाँ पे। अब आपने यहाँ पर सीजर से कट्स लगाने हैं जहाँ जहाँ कर्व्स आ रहे हैं आपके, सो दैट ये नैपकिन बहुत इजीली आपका सेटल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एरिया। वो मैंने आपको वाइट बॉटल में भी पहले भी बताया था। अब हम यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर रहे हैं पूरे में। एक एक लेयर को आप ये भी देखोगे कि जहाँ ओवरलैपिंग आएगी अगर आ रही है तो उसमें ग्लू वापस से अप्लाई करना है, नैपकिन को सेटल करना है, ग्लू लगाना है, नैपकिन सेटल करना है। ये आप देख सकते हो ग्लू नैपकिन का कट, और आप देखोगे कितना इजीली ये नैपकिन यहाँ पे सेटल हो जाता है। अब आप देखो कि यहाँ छोटा सा एक एरिया बॉटल का रह गया है, बहुत छोटा सा एरिया यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर हम छोटा सा पीस लेके अप्लाई कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे यहाँ पर रह गया, इसको हम क्या करें, कैसे मैनेज करें। सो ऐसा जैसा कुछ नहीं रहता है। जब हम पीसेज में कर रहे हैं तो हम कितने भी पीसेज में उसको सेटल कर सकते हैं। देखो छोटा सा पीस लेंगे, नैपकिन टैपिंग करके लेंगे और इस पीस को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये हमारा वो होल कवर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आप लगाओगे छोटा सा एक पीस। पेपर रिमूव करेंगे इसका। बहुत छोटे पीस में से कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर रिमूव करना। मैंने लाइन भी कवर कर दी इसकी। ये कवर हो गया आपका इतना एरिया। अब ये वाला साइड सिमिलरली आप उसी तरह से पीसेस लेके कर सकते हो। आपको छोटे पीसेस लगाने हैं छोटे पीसेस में कर सकते हो, थोड़े बड़े पीसेस में लगाना है थोड़े बड़े पीसेस में लगा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। फिर भी आपको कहीं पे भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है। तो किसी भी स्टेप में एक प्रॉब्लम आती है आप उसे स्टेप को वहीं पे मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। बस ग्लू आपका अच्छे से ही रहना चाहिए। जहाँ पे भी ग्लू नहीं होगा आपका, वहीं पे आपको एयर बबल्स बाद में दिखाई देंगे। यहाँ मैंने कट लगाया है।
देखिए, यहाँ पे कट हल्का सा रिक्वायर्ड है, सर्कुलर है, राउंडनेस है यहाँ पे, तो ये मैं वापस से इसे अप्लाई कर लूँ और इसको धीरे से अप्लाई कर दूँ। एरिया आप देख रहे हो अभी बचा है हमारा थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर एक और पीस लगा दिया। आप ये पीसेस वाला काम उसी में कर सकते हैं जिसमें एक रैंडम डिज़ाइन है जो कि कटने से कोई फर्क नहीं। अगर अब जैसे आप अगर ये एलिफेंट वाले को काट काट के लगा दोगे तो वो पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। तो लाइक दिस, इसमें एक पूरे में डिज़ाइन है जैसे पेपर में, तो ये हम कहीं भी कैसे भी लगाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर डिज़ाइन दिखेगा। सिमिलरली ये फ्लोरल वाला जो है, फ्लोरल वाले को आप कितने भी पीसेस में करके फ्लावर्स को बहुत पास टाइटली पैक दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो, कुछ दूर दूर डिफरेंट कलर के। जैसे यहाँ मैंने रेड दिया, बीच में ब्लू, ऊपर वापस से रेड कलर के फ्लावर्स हैं, बीच में जितना भी एरिया है मैक्सिमम वो सब लीव्स के साथ फिलअप किया है, छोटे छोटे बर्ड्स डाल दिए हैं बीच में, ये सब बीच बीच में अलग अलग डाली हैं। ये कोई पूरा नैपकिन एक जैसा नहीं था हमारा, आपके पास जिनके पास ये वाला नैपकिन है वो देख सकते हैं कि हाँ ये नैपकिन का पैटर्न ऐसा नहीं है, हमने डिफरेंट पार्ट्स को काट काट के ये पैटर्न क्रिएट किया है। सो आप कर सकते हो उसी तरह। मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ जिससे कि आपको हर स्टेप बिल्कुल प्रॉपरली क्लियरली मैं दिखा सकूँ। चाहिए लेकिन प्रॉपर सके, आप देख सकते हो मैं इसको ऐसे सेटल कर दिया। यहाँ पे मैंने एज पे बैठा दिया है, एजेस कैसे क्लीन करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी जब ये नैपकिन सूख जाएगा। ये आपका फ्रंट पोर्शन पूरा पैक हो गया, बैक भी हो गया, आपका इतना पोर्शन आपका पूरा सेटल है इसमें। अब आपका नेक पार्ट आता है, नेक पार्ट के लिए मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि जैसे ये सीधा आप देख रहे हो, मैं सीधा यहाँ से इसी एलिफेंट के किनारे से निकालती हूँ एकदम सीधा,
this और ऊपर हम patches में लगा देंगे. जहाँ तक भी है ये वहाँ तक के एक्स्ट्रा को कट कर रहे हैं. पूरी नेक इसकी कवर हो गई है. अब ये जो हमारे पास है इसी को हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. थोड़ा सा और अपर पार्ट इसका कवर करने के लिए पहले बताया था जैसे लेटर्स में ग्रूव्स है, ऐसे इसकी नेक में जहाँ पे कैप वाला एरिया है वहाँ थोड़े से ग्रूव्स हैं, वो भी आपको कवर करने हैं ग्लूस अच्छे से. एक पीस को मैंने इधर से लगा दिया है यहाँ पे और एक पीस को मैं इधर से लगा दिया. आई होप आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा. नेक वाले पार्ट को आपको इसको दबाना है, अच्छे से प्रेस करना है इसको ग्रूव्स वाले एरिया में, जिसकी कि नैपकिन सेटल हो जाए उस जगह पे. अभी ये नैपकिन काफ़ी गीला है, इसको सूखने में टाइम लगेगा, तो जब तक ये पूरा ड्राई नहीं होता हम इस पर सैंड पेपर नहीं चला सकते. जब ये कम्प्लीटली ड्राई होता है तभी हम इस पर नीटनेस के लिए सैंड पेपर का काम कर सकते हैं. तब तक हम इसको कम्प्लीटली प्रेस करके छोड़ देते हैं. तो ये अभी आपका जस्ट नैपकिन अप्लाई हुआ है, इसको नीट कैसे करना है वो बात है. अभी मैंने पूरे में नैपकिन अप्लाई कर दिया है आपकी बॉटल पे, ये आप देख सकते हो.